तो हेलो गाइज, मैं गोवा आ गया हूँ और हमने यहाँ पर एक 4 BHK विला बुक कर लिया है। तो कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक दिन मैं मेरे ऑफिस का काम कर रहा था और मेरे दोस्त राहुल का मुझे फोन आया और वो मुझे बोला कि हाँ भाई, न्यू ईयर का क्या प्लान है? न्यू ईयर का यार अभी तो कोई प्लान नहीं है भाई, चल गोवा प्लान करते हैं। गोवा यार नहीं, ऑफिस से भी छुट्टी नहीं मिलेगी और यार बजट भी नहीं है भाई। क्या यार, बजट बजट करता रहता है, तो जाएंगे तो गोवा ही। तो हेलो गाइज, मैं गोवा आ गया हूँ और हमने एक 4 BHK विला बुक कर लिया है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। भाई ये गोवा नहीं है, उत्तन बीच है भाईंदर का। हाँ, मतलब ही नहीं कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आप लोनावला, माथेरन और अलीबाग नहीं जा सकते हैं और आप मुंबई में कोई आसपास मस्त लोकेशन देख रहे हैं तो उत्तन आपके लिए उतना ही परफेक्ट ऑप्शन है जितना एक स्ट्रगलिंग बैचलर के लिए सुबह सुबह एक वड़ा पाव और चाय। उत्तन मीरा भाईंदर से 8 किलोमीटर दूर है और एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पे बेसिकली क्रिश्चियन कोली कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग करना। बेसिकली गोवा तो नहीं है बट गोवा से कम भी नहीं है ये, एकदम गोवा जैसी दिखता है, इसमें मिनी गोवा बोलते हैं। तो अगर आप भी अभी मन बना चुके हो उत्तन जाने का तो मैं चलिए आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल से पहुंचना है भाईंदर वेस्ट स्टेशन और उसके बाद में अगर आप अंधा पैसा कमाते हो तो आप स्टेशन के जस्ट बाहर से 200-300 रुपए में ऑटो से डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह हो तो उन ऑटो वाले भाई साहब को इग्नोर करते हुए स्टेशन से थोड़ा सा बाहर आगे जाके लेफ्ट साइड में बस स्टॉप है, वहाँ से आप जा सकते हो और बस में आपके सिर्फ 17 रुपये लगेंगे यानी कि सिर्फ 17 रुपीज़ पर पर्सन। बाकी यहाँ पर एक चर्च है और एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और मदर मेरी का स्टेचू है जो काफी हाइट पे बना हुआ है और वहां से काफी मस्त व्यू आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां से सनराइज और सनसेट का काफी अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और वेलंकनी बीच है जो काफी साफ है और एकदम खाली है तो आपको वहां पर गिरगांव और जुहू चौपाटी जैसे पब्लिक नहीं मिलेगी तो आप वहां पर प्राइवेट बीच के जैसा एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको अल्टीमेटली वीडियो देखकर मजा आया हो तो मैं चाहता हूँ कि ये आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मजा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।